तो हेलो, हम लोग आज सर्टिफिकेट बनाने सीखेंगे। तो पहले हम लोग को लेआउट में जाना है, उसके बाद ओरिएंटेशन में जाना है, फिर लैंडस्केप में जाना है, इसके बाद मार्जिन में जाना है। हम लोग नैरो सिलेक्ट करना है, ठीक है। मार्जिन नैरो के बाद हम लोग को जाना है डिज़ाइन पे। डिज़ाइन में जाने के बाद हम लोग को जाना है कहाँ पर जाना है, हम लोग को जाना है यहाँ पर, ठीक है। मतलब पेज बॉर्डर पर जो हमें क्लिक करना है, इसके बाद हम लोग को पेज बॉर्डर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पेज बॉर्डर हम लोग को सिलेक्ट होने के बाद, क्लिक करने के बाद ओके करना है, यहाँ पर हमारे पेज बॉर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया हूँ, पेज आग बॉर्डर आ गया है। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मेरा यहाँ पर सब कुछ है, मैंने रखा था पहले से, तो इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद हमें जाना है यहाँ पर, यहाँ पर जाके पहले इसके ऊपर यहाँ पर डाल देना है। तो इसको हमें को मिडिल में करने के लिए क्या करना होगा, रैप टेस्ट में जाना होगा, इन फ्रंट ऑफ टेस्ट करना करना होगा। इसके बाद ये वाला जो है इसको मतलब इस कोने में लगा देना है अच्छे से। तो ये लग चुका है। आप इसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट का माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके इसको लेना है। अब इसको और ये एरो को घुमा देना है, ठीक है। इसको ऐसे हमें रखना है। इसको रखने के बाद हम लोग को इसको ठीक पोजीशन में इसको पहले जो जो ऐसा था ऐसे कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला जो काम था ये वाला हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमें दूसरा जो था इसको मतलब लेना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर जाके हम लोग को जो यहाँ पर पेश कर देना है। तो यहाँ पर ये वाला अभी तक नहीं आया, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करके वो वाला पेस्ट करना होगा पहले। तो ठीक है, तो हमारे ये वाला आ चुका है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को पिक्चर फॉर्मेट जाके फिर रैप टेस्ट में जाना होगा, एयरपोर्ट इसको इनफॉर्म टेस्ट करना होगा। इनफॉर्म टेस्ट करने के बाद इसको अच्छा से यहाँ पर बैठा देना है, ठीक है। हम लोग ने इसको धीरे से यहाँ पर बैठा दिया हो, ठीक है, अच्छा से। तो यहाँ पर ये वाला बैठ चुका है। अब क्या करना होगा, अब हमें करना होगा सर्टिफिकेट जो अचीवमेंट है इसको लॉक लैंड कंसीडर में जाना है। इसको मैंने लिखा हुआ था तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। ये वाला तो हमें तो कट गया पूरा। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें जाना है इंसर्ट बटन पे, इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट पे जाना है। वर्ड आर्ट पे जाके यहाँ पर हम लोग को लिखना है सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इधर लाना है, फिर इसका जो कलर वगैरह है वो वाला हम लोग को चेंज कर देना है, जो भी अच्छा लगेगा सर्टिफिकेट में हम लोग वही रखेंगे, ठीक है। ये वाला तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सा अच्छा लग रहा है। तो पहले जो था उसमें हम लोग जाएंगे, अब इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करेंगे, ये है और रॉकवेल है। तो हम लोग को यहाँ पर जाके इसको क्लिक कर देना है, सब लाइन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद राइट क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च करना है रॉकवेल, ROCK रॉकवेल आ चुका है। अब हमें इंटर प्रेस कर देना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, इंटर प्रेस हो चुका है। अब हमें जाना है यहाँ पर सेव फॉर्मेट में जाके, हमें यहाँ पर जो ABS ट्रांसफॉर्म है इस पे जाके हम लोग को यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये हमें इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका जो साइज है ये हम बढ़ा देंगे, ये हम लोग ने बढ़ा दिया इसका साइज, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसका साइज थोड़ा सा हमें छोटा करना है, छोटा मतलब ज़्यादा नहीं, 48 हो जाएगा। हाँ, 48 हम लोग ने कर लिया है। अब इसके बाद इसका जो कलर वगैरह है इसको चेंज करना है। चेंज करने के लिए हमें जाना है ऐसे, फिर यहाँ पे जाके हम लोग को चेक कलर सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको अच्छा से यहाँ पर बैठाना है,
यहाँ पर हम लोग ने इसको राइट तरफ से हम लोग बैठा दिया हो। अब क्या करना है, फिर हम लोग को जाना है इंसर्ट बटन पे। इंसर्ट बटन पे जाने के बाद वार्ड एड में जाना है। वार्ड एड में जाने के बाद यहाँ पर हमें कुछ लिखना है। यहाँ पर हमें लिखना है कि मतलब लिखना है दिस सर्टिफिकेट इज अवार्ड टू, मतलब किसको हम दे रहे हैं। तो हमें लिखना है यहाँ पर दिस सर्टिफिकेट अवार्ड टू। तो ये वाला हम लोग ने लिख लिया। तो इसके बाद इसके ऊपर फिर से हम लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोग को ये वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला अच्छा लग रहा है दिस सर्टिफिकेट इज अवार्ड टू। अब हमें क्या करना है, इसका जो साइज है ये थोड़ा छोटा करना है, ठीक है। 36 है हम लोग का, ये करना है 28। हो चुका है, ये मिडिल में है। आप क्या करना है, आप इसके बाद फिर से हम लोग को इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके वार्ड एड में जाना है। वार्ड एड में जाके यहाँ पर लिखना है नेम। तो नेम हो चुका है। अब इसके ऊपर हम लोग को क्लिक करना है, बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद इसके ऊपर मोनोटाइप प्रेस करना है। फिर हम लोग को इसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पर डालेंगे मोनो। इसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो आ गया हमारा ये वाला ऑप्शन। आप इसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है एक बार। क्लिक करने के बाद हम लोग को शिफ्ट के बाद जो हमारा डैश बटन है इन डैश, उसको क्लिक करना है। तो यहाँ पर नेम के लिए हमने जगह कर दिया है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिर से हम लोग को इंसर्ट में जाना है। फिर वार्ड एड में जाना है। वार्ड एड के बाद यहाँ पर हम लोग को लिखना है कोड्स, मतलब कौन सा कोड्स हुआ था उसका लिखना है यहाँ पर। कोड्स नेम कोड्स लिख देना। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर उसी तरह इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोनो कर देना है। फिर एंटर करना है, ठीक है, और बोल कर देना है। तो अब हमें इसको भी मतलब यहाँ पर लिखना है। तो पहले इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर शिफ्ट प्लस इंडेक्स हम लोग को दबाना है और सही से इसको करना है। हो चुका है हमारे ये वाला फॉर्मेट भी। इसके बाद फिर से हम लोग को इंसर्ट में जाना है। फिर वार्ड एड में जाना है। वार्ड एड में जाने के बाद यहाँ पर लिखना है सेशन, SESSION कैपिटल में होगा। सेशन हो चुका है। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर रखना है। रखने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है मोनोटाइप। तो मोनोटाइप ये वाला हो चुका है। फिर इसको भी बोल कर देंगे हम लोग। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है इसको हमें खींचना है इतना तरफ। तो ये वाला हम लोग का जो सेशन वाला ऑप्शन था, तो सेशन भी हम लोग का आ चुका है। अब हमें करना है कि सेशन हो गया है, अब हमें सेव करना है डायरेक्टर सिग्नेचर। फिर हम लोग इंसर्ट में जाएंगे, वार्ड एड में जाएंगे। यहाँ पर एक बटन रहेगा डायरेक्टर सिग्नेचर। तो हो चुका है। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसको मोनो अच्छा लग रहा है खास। अब इसको छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद इसको क्लिक करके यहाँ पर इसको रखना है, ठीक है। यहाँ पर रखने के बाद ये वाला हो चुका है। अब क्या करना है, हम लोग को फिर से इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर वार्ड एड में क्लिक करके डैश इन डैश क्लिक करना है। इन डैश क्लिक करने के बाद इसके ऊपर इसको रख देना है सिग्नेचर के लिए, ठीक है। हो चुका है हमारा ए वाला फॉर्म। अब क्या करना है, हमें फिर से ए वाला जो पहला वाला पिक्चर था उसके ऊपर जाना है। ए वाला के ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम लोग को यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद हम लोग को इसको इन फॉर्म ऑफ टेस्ट करना है, रैप टेस्ट में जाके। तो हम लोग पिक्चर फॉर्म में आ गए हैं। फोटो के ऊपर क्लिक करते होंगे।
इसके लिए कंट्रोल जेड प्रेस करना होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, इसको जाके इसको कॉपी करो, अच्छा से इसको कॉपी कर लिया। अब इसमें जाना है, इसमें जाके इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद पिक्चर फॉर्म में डायरेक्ट जाओ। इसके बाद इसको इन्फॉर्म ऑफ टेस्ट करो। तो ये वाला इन्फॉर्म ऑफ टेस्ट हो चुका है। अब इसको हमें धीरे से ये वाला आ नहीं रहा है ये वाला के लिए, तो पहले ये वाला छोटा कर लेते हैं। उसके बाद ये वाला जो है हमें पिक्चर फॉर्मेट में, तो इसके भी सॉल्यूशन में बता रहा हूँ ये आप लोग क्या करोगे। तो इतना तक हम लोग का हो चुका था। ठीक है, अब हमें जो करना है वो वाला फॉर्मेट लाने के लिए पहले हम लोग को जाना है इस तरफ, इसमें जाके इसको कट कर देना है, क्योंकि आ रहा है या नहीं आ रहा है हम लोग को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जाना है, यहाँ पर तुम लोग को प्रेस करना है। तुमने देखा कि ये वाला इतना तक है, तो इसका थोड़ा छोटा कर दो अभी, क्योंकि थोड़ी देर में इसका चेंज हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, पिक्चर फॉर्मेट जाके इसको बैकवर्ड 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 करना है। ये वाला बैकवर्ड हो चुका है, इसको भी बैकवर्ड करना है। सेंड एज बैकवर्ड 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 बैकवर्ड, तो सभी जो चीज़ है इन लोग को हम लोग को सब कोई बैकवर्ड करना है। सेंड बैकवर्ड, इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी बैकवर्ड कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी बैकवर्ड कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करके ये वाला जो है, ये वाला हम लोग को थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा। बट अब जो पिक्चर है उसके सेप के लिए हमें जाना है पिक्चर फॉर्मेट रैप टेस्ट में जाके इसको इन्फॉर्म ऑफ टेस्ट करना है। इसके बाद ए वाला जो है, यहाँ पर देख रहे हो ए वाला आ चुका है, तो ए वाला जो है इसको अच्छे से यहाँ पर बैठा देना है। तो यहाँ पर ए वाला बैठ गया है। अब इसके ऊपर क्लिक करके ए वाला जो है धीरे धीरे नीचे तरफ खींचना है। तो ये वाला हमारा सर्टिफिकेट जो था, सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।